सऊदी अरब के मुआवने वजीर दिफा का दौरा है पाकिस्तान। आला सदा के वफद ने वालेहाना इस्तकबाल किया। मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला अल अतीबी पाकिस्तान की सियासी और अस्करी कयादत से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई तालुकात को मजीद वसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिका में मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें। सऊदी वजीर खजाना से मुलाकात में दो तरफा तआवुन और शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम के सदर अजय बंगा से मुलाकात में 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की जरूरत पर इत्तेफाक किया गया। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से शराकत दारी, रियायती फाइनेंसिंग और मुस्तकबिल के मनसूबों पर बात की गई। अमेरिका का पाक आईएमएफ स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान ने मुईशत के इस्तेहकाम के लिए खातिर खा पेशरफ की है। कर्ज के इंतजाम के हवाले से पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत करते हैं। मुईशत की कामयाबी पर अमरीकी हिमायत गैर मुतजलजल है। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। 9 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। एहतसाब अदालतों की तंजीमें 9 एजेंडे का हिस्सा। वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी पर भी मुशावरत की जाएगी। सानिहा 9 मई मुकदमात के तमाम सरकारी प्राइवेट प्रोसिक्यूटर्स का अदालत पर अदम एतमाद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ के खिलाफ हाईकोर्ट में रेफरेंस मौकिफ इख्तियार किया कि एटीसी के जज पिंडी बाग के हैं और वुकला को रिलीफ देते हैं। रेफरेंस दायर होने पर अदालत ने समाअत रोक दी। पंजाब हुकूमत को जमीनी हकायक का इलम नहीं, गंदम की कटाई का सीजन है। वेट स्पोर्ट प्राइस कम कर दी गई है। उमर अयूब कहते हैं कि इससे गंदम का बहरान पैदा होगा और गंदम दरामद की जाएगी जिससे बड़े बड़े लोग पैसे कमाएंगे।